पौधा लगाने से पहले कचरा डाल दिया, उस कचरे के ऊपर ड्रिप डाली है, नीचे नहीं चाहिए ड्रिप, ऊपर चाहिए, पानी बूंद 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 कचरे पे गिर रहा है, उसको गलाएगा, नीचे पानी उसका निकलेगा, वो गलेगा। अब नीचे जो पानी फैल रहा है वो नीचे से ऊपर उसको भाप बन के चिपक रहा है, फिर गिरता है, चिपकता है फिर गिरता है, मतलब नीचे से भी गलेगा, मतलब वो 7 महीने में कार्बन बनेगा, उसमें जड़ें ऐसी घुसी हुई दिखेगी। आप कहीं आपके यहाँ कचरा हो ना, केले के पास 4-5 महीने हो गए हो, वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं किया हो, तो कचरे में जड़ें घुस जाती, कचरे को खाती है। कार्बन ही पौधे का भोजन रहता है हकीकत में। हमें पता चला यूरिया डीएपी पोटास, तो हम यूरिया डीएपी पोटास डाल रहे हैं, ओरिजिनल में कार्बन पौधे का भोजन है, तो वो कार्बन को खाती है। मतलब आपकी ज़मीन का कुछ भी पीएच है, अगर हमने ये पद्धति करी तो कार्बन हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दिया, अनायास दे दिया, तो पौधे की जड़ें कार्बन में रहेगी, तो जो आप फर्टिलाइजर डालोगे पौधा सारा का सारा अपटेक करेगा। समझ में आया थीम? 5 फीट ड्रिप अंदर, पहले दिन से कचरा, पहले दिन से कोई कल्टीवेशन नहीं होगा इस पट्टे में। अब जो पट्टा खाली है उसमें आप 1000 बार कल्टीवेशन करो, बेल दौड़ाओ, मिट्टी निकालो, चढ़ाओ, जो मर्जी वो करो। इस पौधे की मिट्टी इधर से चढ़ा दो, टखने को हाथ से ढक दो, इस पौधे की मिट्टी इधर से चढ़ा दो, पीछे लेबर टखने को हाथ से ढक देंगे। मिट्टी कितनी लगनी चाहिए, बहुत से किसान मित्र पूछते हैं आप ऐसी पद्धति में हम पौधे को मिट्टी कम चढ़ा पाएंगे। मेरे पास बहुत से ऐसे प्लॉट है जो मिट्टी चढ़ाते ही नहीं, तो भी केला गिरता नहीं। लेकिन मिट्टी थोड़ी सी जगह पे चढ़ानी चाहिए, जहाँ पौधा लगाया और सबसे नीचे एक ऐसा टखना रहता है जहाँ से रूट आती है, उतना टखना ढका हुआ रहना चाहिए, ना कि पौधे को 1 फीट गाड़ दो, वो गलत है, इससे पौधा नहीं गिरेगा, ये गलत धारणा है। इस टखने को ढकना है, यहाँ से वो रूट फेंक देगा और मजबूत पकड़ कर लेगा, और उसकी जड़ों को फैलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ढीली ज़मीन मॉइस्चर वाली चाहिए, ताकि वो जड़ें पकड़ के रखें। इस पद्धति में अगर आप जाएंगे तो आपके केले में क्वालिटी, कलर, शाइनिंग, वादा, 25% कम पानी। ये भैया का प्रश्न था, पानी कम होने से क्या करेंगे? जब पहले दिन से हम कचरा डाल देंगे तो वहाँ पर ज़मीन ढीली रहेगी। हमने जुलाई में पौधा लगाया, जुलाई में कचरा डाल दिया, देसी केचुआ आकर के कचरे को भी खाएगा, आपको अलग से लाना नहीं है। अब पहले दिन से कचरा है, ज़मीन ढीली है, अब जुलाई गया, सितंबर अक्टूबर आया, अक्टूबर में भी गर्मी आती है, अक्टूबर हीट होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो हम पानी चलाएंगे, तो जब ढीली ज़मीन में पानी चलता है तो गहराई में जाता है, गहराई में जाएगा तो आपकी रूट को लेकर के जाएगा, प्लांट की खुद ही पौधा चले जाएगा पानी ढूंढने के लिए। ढीली ज़मीन है तो किधर भी ढूंढेगा, मतलब पानी का टेक्सचर बढ़ गया आपका। कम पानी में कैसे, जब पानी ज़्यादा था हम तो दे ही रहे थे, जब ही वो टेक्सचर बन गया, अब गर्मी आ गई, टेक्सचर ऑलरेडी बना हुआ है, पौधे की जड़ें नीचे जा चुकी, आपकी सरफेस भले ही सूखी दिखेगी, नीचे पानी है क्योंकि ढीली ज़मीन है, एक बूंद भी पानी गिरा है कचरे के कारण नीचे गया है, ऊपर तो वायुमंडल में आया नहीं, ठीक है। रूट जरूरत से ज़्यादा फैल गई है उस 7 फीट पे, पहले दिन से कल्टीवेशन नहीं किया है, तो 6 से 7 महीने के बाद जब गर्मी आती है फरवरी मार्च में, तो हमने कल्टीवेशन नहीं किया तो रूट का साइज पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा भी होता है, जड़ें मोटी होती है, पाइपलाइन उसकी मोटी होती है, पानी खींचने की, भोजन खींचने की, झाइलम फोयम मोटी होती है। अगर हम तोड़ते रहते हैं, ऐसी जड़ को तोड़ दिया तो गुच्छा आ जाएगा, गुच्छे को तोड़ दे तो बाल बन जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, बार बार कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उसके रेशे बहुत बारीक है, दिखता है और बहुत वाइट सफ़ेद जड़ें, फिर वो झोला छाप आएगा, ये तो मैंने ह्यूमिक एसिड दिया था उससे आ गई। ऐसा भी होता है, शायद ऐसा ही हो रहा है। तो हमें क्या करना है, पहले दिन से कचरा, ड्रिप अंदर, कोई कल्टीवेशन नहीं, ये प्लेटफॉर्म डिजाइन हुआ तो हम पौधे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू ले सकते हैं, वादा, कलर, शाइनिंग ले सकते हैं, और इंडिया से बहुत सारे अच्छे व्यापारियों को हमारे खेतों में बुला सकते हैं। आज की मैं बात बताऊं, रावेर में 5x7 पे एक मेरा प्लॉट है, वो कटिंग हो रहा है 11.5 रुपये में। मैं आज बगीचे में था, वहीं से मैंने भैया को फ़ोन लगाया, मैंने कहा क्षितिज भाई आपके वहाँ का रेट यार कम है, ये लड़के से बात करो, ये कल आएगा आपके गाँव में देखने के लिए। उसने क्या कुछ पूछा, 2-3 चीज़ें,
ना तो वो आएगा ना ये बुला पाएंगे। इन्होंने कुछ फोटो भेजी भैया ने, फोटो दिखाई 5x5 गंठूर, नीचे से गुल्ला भी रंजी। भाई केले का सबसे बेस्ट केला है। मैंने भैया को ही बोला था, मैंने कहा आपके क्षेत्र का सबसे बेस्ट जो हो वो यहाँ का सबसे बेस्ट है, उसका रेट बेस्ट है और उसका वो दोनों भेजो फोटो। तो 6 रुपए के ऊपर नीचे इन्होंने बताया, किसान जो मान जाए। और ये केले की क्वालिटी तो वो भाई साहब जो सतीश नाम है उनका, वहाँ रावेर में केला भर रहे हैं वो, और वो लोडिंग कर रहा है अपना अवधेश भाई, कम हाइट अवधेश भाई वाइंडर है हमारे वहाँ के, वो गाड़ी लोडिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, बलराम भाई तुम वहाँ चंडीगढ़ से तुम्हारे दूसरे पार्टनर है वो वापस भेज देंगे गाड़ी आपकी। वो केला कभी ले लिया नावरा से तो या तो अक्कल खाते में जाएगा घाटा खाएंगे, या वो खाली नहीं करेगा मंडी में लगवाएगा। वो क्वालिटी अपने लिए नहीं भैया, 11.5 के लिए वो सही है, 6-5-6 रुपये में वो केले के हिसाब से सही बिक रहा है। तो हमें केले की क्वालिटी अगर बनाना है तो इस पैटर्न पे जाना पड़ेगा, गठान लगाओ या कोई सी दुनिया का टिश्यू लगाओ। अब ये आया मैं केला बेचने तक, अब मैं आता हूँ इसको पिलबाग लेने में। सेकंड में एक भैया का और प्रश्न था कि जब कटिंग पे आएगा, जब धूप घिसेगी और घुसेगी पौधा टूट के गिरेगा, तो जब 5x7 का रहेगा पौधे से पौधा 7, जिस दिन आपने प्लांटेशन किया उसके 5 महीने के बाद पौधे के तने की मोटाई अगर 25 इंच की होती है तो आप उसका बच्चा छोड़ सकते हो। कंडीशन अप्लाई, 5 महीने क्रॉस होना चाहिए, तने की मोटाई टेप से नापना है, क्या गोलाई उसकी नीचे पेंदे की 25 इंच की आ गई, हाँ अगर आ गई तो हम उसका पील छोड़ सकते हैं। अभी फ्लावर नहीं आया, मैंने बोला ही नहीं आपके एक पौधे का फ्लावर आया, पौधा लगाया उसके 5 महीने की उम्र हुई, 150 दिन हो गए, उसके बाद में जो उसका बच्चा निकला है फर्स्ट बेबी, अगर तने की मोटाई 25 इंच है तो छोड़ सकते हैं। तो छोड़ना किधर है, दक्षिण तरफ को छोड़ दो, पूरब पश्चिम या उत्तर, तीन में से जो दिशा सफिशेंट लगे। तो इन तीन दिशा में से अगर ऐसी हमारी लाइन है 7 फीट ऐसा है तो फिर पश्चिम पश्चिम सब छोड़ दो, ताकि एक लाइन में सारा आगे बढ़ जाए। फिर उत्तर और दक्षिण दोनों को अवॉइड कर दो, इधर का नहीं लेना है, पील छोड़ना है या तो पश्चिम या पूर्व। दक्षिण क्यों नहीं लेना है कि MP में सूर्य जो है वो हमेशा दक्षिणायन घूमता है, अगर 12 बजे हम देखेंगे तो हल्की परछाई उत्तर तरफ जाएगी, मतलब पौधा फ्लावर देगा दक्षिण तरफ, फिक्स है। हमने जो 5x7 का ग्राफ लिया सराउंड, मतलब जगह उसको अच्छी खासी दे दी, अब उसके सारे पत्ते धूप ले रहे हैं तो वो ऐसा झुकेगा हल्का सा, मतलब पत्ते ऐसे नहीं रहेंगे हल्के ऐसे रहेंगे, मतलब फ्लावर वो दक्षिणी तरफ देना है। दक्षिण तरफ देना है तो या तो पूर्व या पश्चिम अगर ऐसी लाइन है, और अगर ऐसी ड्रिप लाइन है तो फिर फ्लावर दक्षिण में देगा, हमको उत्तर में नया पील छोड़ना है, ताकि पील उसको केले को टच ना हो जब फ्लावर आए। अभी फ्लावर आया नहीं, फ्लावर आने के पहले हम छोड़ रहे हैं तो साइंस लगा के छोड़ेंगे, ताकि जब फल आए तो पील उसमें घुसे नहीं। तो फल आएगा दक्षिण में, हमने छोड़ा उत्तर में, अगर ऐसी लाइन है तो पश्चिम में हमने छोड़ दिया 5 महीने के बाद नया शकर। अब फ्लावर आएगा आपका 7 महीने में, इसकी हाइट होगी 2 महीने की, टकने तक आ जाएगा लगभग इतना, जब फ्लावर आएगा जब घुटने तक या ऊपर आने की कोशिश करेगा और बड़ा ग्राफ रहेगा तो जल्दी बड़ा पत्ता आ जाएगा, यहाँ तक आ सकता है टकने से ऊपर, घुटने से ऊपर। अब जब फ्लावर आया उसके 90 से 100 दिन बाद कटेगा, मतलब फिर 3 महीने लेगा। अब ये कटने के समय 3 महीने लेगा तो ये तो 2 महीने का था, अभी आ गया, ठीक है, अभी केला कटा नहीं और मेरा फ्लावर हाइट पे है, 5 महीने में छोड़ दिया, ये 5 महीने का होगा जब ये कटेगा, ठीक है। तो ये जिस दिन कटेगा उस दिन आपके मेन केले के पत्ते रहेंगे कम, लेकिन ये जो बच्चा है इसके हरे पत्ते रहेंगे ज़्यादा। अगर आपका अप्रैल मई में कटिंग आ रहा है और पील के पत्ते हरे हैं तो आपके यहाँ गर्म हवा ठंडी हवा उस मेन केले को जलाएगी नहीं। 6x6 या 5x7 अगर आपने बच्चा सही समय पे नहीं छोड़ा
तो माल कटते समय आपको धूप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो बच्चा सही समय पर छोड़ना है ताकि हरियाली रहे अप्रैल मई में। दूसरा फायदा रहेगा कि अगर हमने पांचवें महीने के बाद छोड़ दिया तो लगाते समय हमारे 1250 पौधे जब हमने प्लांटेशन किया, पांच महीने के बाद 1250 फिर लगा दिए हमने, नया छोड़ दिया मतलब लगा दिए, अब हमारे खेत में 2500 पौधे हैं। मतलब हमें पांच महीने के बाद में छोड़ना है और छठे महीने से 2500 पौधे का खाद देना है। अब यहाँ पर मैं साइंस वाली बात कर रहा हूँ, आपके बजट वाली। आपके पास 2 एकड़ जमीन है, आपने प्लांटेशन किया 2 एकड़ जमीन का, पांच महीने बाद वो हो गई 4 एकड़। अब छठे महीने से आपको खाद 4 एकड़ का देना है, ना कि 2 एकड़ का। आया ख्याल में? तो हम इस पौधे से 35 किलो का वजन ले सकते हैं। किससे? जो पहला खड़ा है उसका फ्लावर आएगा, उसके तने की जितनी मोटाई होगी कम से कम उतने किलो का हम वजन ले सकते हैं। कब? जब छठे महीने में उस पील का चौड़ा पत्ता हो गया, मतलब वो भोजन लेना चालू हो गया। पहले निकलेगा कंगारू, एक एज के बाद चौड़ा पत्ता हो जाएगा, मतलब उसको उसका भोजन चाहिए। चौड़ा पत्ता आ गया मतलब उसको उसका भोजन दो, इसका भोजन अलग, बच्चे का भोजन अलग, मतलब 2 की बजाय 4 एकड़ का भोजन चलेगा। ठीक है, अब जितने तने की मोटाई है उतने किलो का वजन लेना है। उसके लिए फिर एक साइंस है, एक ही पील आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, आइट साइड 3-4-5 आते हैं, फ्लावर आते तक तो 6 हो जाते हैं। एक हमने छोड़ा है, बाकी को काट रहे हैं। ऐसा ही करते हैं दराती से, हर 2 महीने में काटते हैं या 8 दिन में? एक लिमिट आती है, उसके बाद तो 8-8 दिन में कटता है। फुर्सत मिलती है जब काट लेते हैं। शुरुआत में 90 दिन के बाद दराती चली, 100 दिन के बाद, फिर हर 20 दिन में काटना है, उसमें ड्रिप कटेगी अलग। ठीक बात है। क्या वो दराती चलाने से हमारा जो बच्चा है वो खत्म हो गया, उसने भोजन लेना बंद कर दिया? मेन पौधा है उसके आइट साइड बच्चे हैं, 100 दिन के बाद हम काटना चालू हो गए, मतलब 100 दिन के बाद अगर हम 1 एकड़ में 10 किलो 12 एक्सट चला रहे हैं और हमारे पौधे के आइट साइड 3 बच्चे हैं और एक वो खुद 4, तो 10 किलो एक को लगेगा कि 4 को लगेगा? चारों है ना, क्योंकि आपने काटा लेकिन उसकी मोटाई बढ़ना बंद हुई क्या? नहीं। फिर पत्ता आया, काट दिया, फिर अगली बार ज़्यादा मोटा हो गया, मज़ा आ गया, काट दिया। उसको किल करना है, केवल काटना नहीं, उसको ड्रिल करना है, भाई हिस्सा लेना बंद करना पड़ेगा। अगर मेरे पास 10 एकड़ जमीन है और हम 2 भाई हैं, तो शादी के बाद 5 मेरी 5 उसके, और 3 भाई है तो 33 33 33, 3 3 3 3, तो हमको 2 ही भाई रहना है, तो एक को किल करना पड़ेगा या लाना नहीं पड़ेगा। तो लाना हमारे हाथ में तो है नहीं कि जो साइड का चक्कर है वो आना रुक जाए, तो उसको दराती से काटना है। एक छोटा सा पाइप बना सकते हो आप 1/2 इंच का, यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है सकर ड्रिलर के नाम से, 15 इंच का बनेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 1/4 इंच की नली, उसमें थोड़ा सा कट लगा करके हत्ता बनाओ, दराती से काटा, उसको ड्रिल कर दिया, अगली बार वो आएगा नहीं। अब जो आपका सेक्शन है रोज काटने की दराती खत्म हो जाएगी, खत्म, एक बार दराती से काटा उसको ड्रिल किया, वो नहीं आएगा, दूसरे आएंगे जब उसका टाइम होगा। मतलब आपने जितना फर्टिकेशन दिया सिंगल ही खाएगा, 5 महीने के बाद फिर दूसरा खाना चालू होगा। मतलब रखना नहीं है, किल करना है, ड्रिल करना है। मैंने बहुत सी जगह देखा है, बहुत से मित्र बोलते हैं मेरे यहाँ 35 इंच का तना है, 3 फीट का तना है, वजन आया 17 किलो 22 किलो 25 किलो, ऐसा हो रहा है आपके यहाँ भी? भाई जितना मोटा तना है उतना किलो आता है क्या? जेन के टिश्यू मोरे हो गए। कैसे? जेन के टिश्यू क्या कर रहा है अभी? तना इतना मोटा बताया, उन लोग पर रहेगा 17 किलो? नहीं नहीं, लगभग सबके यहाँ हो रहा है ऐसा, जेन या गठान ऐसा नहीं। ये क्या होता है, अगर हमने बच्चों को किल नहीं किया तो भाई हिस्सा लेंगे जो मेन पौधे को चाहिए था। ठीक है,
ठीक है, हमने बच्चों को किल कर दिया, तो जितनी मोटाई है उतना वजन ले सकते हैं। 35 स्क्वायर फीट जगह, अगर 30 इंच तने की मोटाई है तो 30 किलो वजन आ सकता है, मैं ले रहा हूँ, हमारे यहाँ भी ले सकते हैं, ये संभव है, हमने लिया है। अगर बच्चे को किल नहीं कर रहे हैं तो जितनी तने की मोटाई है उसके अंदर वजन आएगा, 30 इंच की तने की मोटाई है तो 22-25 किलो आएगा, ऐसा होता है। एक वजन भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी और नया बच्चा हमारे लिए तैयार है। अब पहली बात मैंने बताई, आप शकर कैसा छोड़ोगे। एक बार अगर आप समझ गए कि 5 महीने के बाद इसको ले लिया हमने, इसकी कटिंग आई और इसकी ये हाइट है, तो जिस दिन ये कटेगा, अब तीसरी पे मैं आ रहा हूँ, जिस दिन ये कटेगा उस दिन ये तैयार रहेगा और इसका नया बच्चा छोड़ना है, आया ख्याल में। अच्छा, तीसरी भी चालू हो जाएगी। अब मैं तीसरी की बात कर रहा हूँ भाई, पहला आपने 5 महीने में छोड़ा, इसका फ्लावरिंग आया 7 महीने में, ये कटा 10 महीने में, तो 10 महीने में ये इसकी हाइट 5 महीने की है। जैसा ये कटेगा इसका पानी रिवर्स होगा, मतलब आपका फर्टिलाइजर अब आधा हो जाएगा, जितना पहले चला रहे थे डबल के लिए, उससे चलाना है आधा, क्योंकि इस लाट का पानी वापस पिएगा तो ये दोनों स्पीड से जाएंगे, आया ख्याल में। जिस दिन ये कटेगा उस दिन नया छूटेगा। एक आप सीख गए, मतलब दूसरा भी ले सकते हो, तीसरा भी ले सकते हो, चौथा भी ले सकते हो, पांचवा भी ले सकते हो। गिनती आपको गिनना है कितनी बार लेना है, एक बार लगाने के बाद। मेरी 10 ही उंगलियां इसलिए रुक गया मैं। एकदम फैक्ट है, हम इस तरीके से खेती कर रहे हैं। सेम आई, और सेम से अच्छी बात बताइए आप, पहला अगर 25 किलो का है तो दूसरा 30 किलो आने को चाहिए। मुंबई वाले बोलते हैं ना, आने को मांगता। अगर ये 30 किलो नहीं आ रहा है तो हमारे काम करने में कुछ गड़बड़ है, कारण बताता हूँ। पहले में हमने छोटे बच्चे को लेकर के खड़ा किया, सब फर्टिलाइजर किया, सब एफर्ट लगाया, दूसरे में क्या हो रहा है, ये जैसा कटा पूरी बॉडी का पानी रिवर्स हो रहा है और बच्चे को मिल रहा है, ये तो नेचुरल मिल रहा है ना, हमें नहीं पता यूरिया डीएपी पोटाश उसका भोजन है कि नहीं है, लेकिन ये जो है ये तो उसका भोजन है, तो ये तो उसको रेडी मिल गया, प्लस हम साथ में एनपीके दे रहे हैं। हमने 7 फीट के प्लेटफॉर्म पे जमीन ढीली रखी है, कोई कल्टीवेशन नहीं किया है, रूट हमारी अच्छी है, मतलब पहला 25 किलो आया तो दूसरा 30 किलो आने को मांगता, नहीं आ रहा है मतलब हमारी कुछ त्रुटि है, हमें सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरा अच्छा आएगा, हमारे यहाँ दूसरा आता नहीं, व्यापारी काटता नहीं, 30-40 टका कटता है, फिर हमको रोटावेटर चलाना पड़ता है। यही प्रोग्राम हम गठान में कर सकते हैं, दुनिया के किसी के भी टिश्यू में कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के जो प्रश्न हो वो पूछ सकते हो, लगभग मेरी मैक्सिमम चीजें मैंने आपको आउटपुट कर दी, इतने में आपके कोई प्रश्न है क्या, सब जाग रहे हो मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने बोला कि 5 महीने में एक पिन छोड़ना है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सभी पेड़ों में पील आ जाए, तो उसको कैसा। मैंने दो चीज़ बोली, आपने अगर ध्यान से सुना हो, 5 महीने के बाद छोड़ेंगे, 25 इंच की मोटाई आएगी तो मोटाई के बाद तो पील आना ही है ना, ठीक है। जब मोटाई आती है, पील कहाँ पे आता है, केला पूरे पत्तों का आवरण है, एक पत्ता फिर दूसरा पत्ता फिर तीसरा पत्ता, पत्ता जहाँ से चालू होता है वहाँ पर आँख आती है। केले की उम्र 50 पत्ते की है, मतलब उसकी गठान में 50 आँखें है, एक काट दोगे तो दूसरी आएगी, और वो स्पीड से आना चालू होती है 25 इंच के बाद में, 25 होगी होगी। केले का साइंस है, केले का साइंस है, अगर आपकी सारी विधियाँ सही है, मतलब आप सही काम कर रहे हो, तो 1 महीने में 5 पत्ते आएंगे, 1 महीने में 5 इंच तने की मोटाई आएगी, और 7 महीने के ऊपर नीचे फ्लावर आएगा, ये फिक्स है। हम इसको ट्रेस कर सकते हैं कि अगर हमने जुलाई में लगाया है और अगस्त में 5 पत्ते नहीं आए तो हमें कहाँ गलती हो रही, बलराम भाई 40 पत्ते आए क्या करूँ, ट्रेस कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, ये पुराना पत्ता नया पत्ता कितने दिन में आ रहा है,
छः दिन में या पाँच दिन में, छः दिन एक डॉट है, छः दिन में एक पत्ता नया आना चाहिए। हम ट्रेस कर सकते हैं, एक एक को मार्किंग कर सकते हैं। ये केले की सही चलने की, ना स्पीड से चल रहा है ना धीमे चल रहा है, स्वस्थ चल रहा है, सही चल रहा है। हर महीने 5 इंच की मोटाई बढ़ेगी, 5 महीने में 25 इंच हो जाता है, 5 महीने में 25 पत्ते आ जाते हैं। इसीलिए हम 5 महीने के बाद नया शकर छोड़ने का सोच सकते हैं। सही बात है, ऐसा होता है। ये आपने अच्छी बात पकड़ी है, ये पॉइंट में भी भूल गया था, भैया ने याद दिलाया, इस पे आपको गौर करना है। 15 जून के बाद जो प्लांटेशन करते हैं, 15 जून से लगा करके जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक का जो प्लांटेशन है वो तो आप 5x7 लगा दो, ठीक है। और अक्टूबर से लेकर के, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, किसी महीने में भी लगाओ। तो मैं आता हूँ पहले ठंडी वाले कांदियाबाग में। अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगर हम लगा रहे हैं तो जो 7 फीट है लाइन से लाइन, 5 पौधे से पौधा 7, तो 2 पौधों के बीच में 2 या 3 मक्का के दाने, इधर से 3.5 फीट इधर से 3.5 फीट। अक्टूबर में लगाए तो पौधा लगाते के 7 मक्का। अब बातों को समझना है, मक्का लगा देंगे, सूर्य खुद के बिक जाएंगे। हाँ, उस पर भी आता हूँ मैं। 2 पौधों के बीच में 2 या 3 मक्का के दाने, जिसमें एक दाना तो भी खड़ा चाहिए 2 पौधों के बीच में। अक्टूबर में लगाए तो उसके 7वें मक्का, नवंबर में लगाए तो 15 दिन पहले मक्का, दिसंबर में लगाए तो 1 महीना पहले मक्का। पूरी बात समझना, नहीं तो फेल हो जाओगे, मेरे को आने नहीं दोगे आप लोग। दिसंबर में ठंड ज़्यादा रहती, पौधा छोटा रहता है, मतलब मैंने बोला 1 महीने पहले मक्का, आपकी ज़मीन तैयार होकर के 7-7 फीट पे मक्का लगा दो, मक्का की हाइट आ जाना चाहिए। फिर उसके बीच में केला लगाओ, दिसंबर में मर नहीं सकता, रुक नहीं सकता, पत्ता आएगा उसका। मक्का इसलिए कि धूप तो वो देगा पौधे को, क्योंकि 7-7 फीट पे मक्का है, उसका पत्ता ऐसा फैलता है, आधी धूप आधी छांव जाएगी, और पौधा 7 फीट पे है तो उसको धूप डायरेक्ट लगेगी। लेकिन जो 3 बजे रात को ठंडी हवा चलेगी जमीन से लेकर के, हमारे क्षेत्र की भाषा में बोलते हैं डावा सरकना, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, डावा बोलते हैं क्या? नहीं, क्या बोलते हैं फिर? शीतलहर। ज़्यादा 3 बजे से 4 बजे तक ठंडी लगती है, उसको पत्ता बर्फ बन जाता है। अगर जमीन से ठंडी हवा चल रही है, मक्का लगी है, तो पौधे की ये हाइट है, मक्का की ये हाइट है। अब ठंडी हवा आपके खेत में घुसेगी क्या? नहीं, हवा चलेगी, मक्का से टकरा के ऊपर ऊपर जाएगी, मतलब मक्का आपके पौधे की स्वेटर का काम करेगी। अगर मक्का नहीं लगाओ तो कांदियाबाग लगाना बंद कर दो। मेरा पौधा नहीं, कोई सी भी आप गठान टिश्यू कुछ भी लगाओ, ठंड में पौधे को चालू रखना है। ठंड में 10 डिग्री के अंदर पौधा रुक जाता है, कोई पत्ता आता नहीं, उल्टा जलने लग जाता है, उसका पोंगा जल भून के अंदर घुस जाता है, उसका मेन मदर कैरेक्टर बदल जाता है। बचेगा कब? जब 2 पौधों के बीच में 2-3 मक्का के दाने, पौधे के पास नहीं बोल रहा हूँ, 2 पौधों के बीच में, मतलब 7 फीट पे केला तो 7 फीट पे मक्का। ना नहीं लगाना है तो ज़्यादा पास में हो जाएगा तो डांट हो जाएगा। पौधे को धूप लगना चाहिए केले को, और ठंडी हवा अंदर घुसना नहीं चाहिए। हमारा उद्देश्य है क्लाइमेट कंट्रोल। नहीं नहीं, मैं अंतरवर्ती लेने की बोल नहीं रहा हूँ। आप अगर मक्का पे ध्यान दोगे तो केला छूट जाएगा। डबल दाव मार ले। हाँ, डबल दाव तो आएगा। आपने आपने अगर 7-7 फीट में मक्का लगाई तो उसमें 3 से 4 बन जाएंगे एक एक पौधे पर, और वो बहुत स्वस्थ आएंगे, बड़े आएंगे। आपका लेबर खर्च वो मक्का निकाल देगी, ये बात भी तय है। 7 फीट पे जो मक्का लगेगी ना, वो आपका लेबर खर्च निकालेगी, अच्छा उत्पादन देगी। लेकिन हमें उसको देखने के लिए नहीं लगाना है, हमें पौधों को बचाने के लिए। तो ज़्यादा दाने नहीं लगाना, 2 ही दाने लगाना। हाँ, अब एक सुअर की जो आपने बात बताई, सुअर आएंगे, उसकी जो बात बताई मैंने, आज मदन जी को बोला है, मछली पकड़ने की जाली आती है लाइलो, बहुत कड़क आती है और सबसे सस्ती मिलती है, उसकी 2.5 से 3 फीट हाइट की जाली लो। पूरे खेत के चारों तरफ जब हम गन्ना घास लगाएंगे, उस समय 5-5 फीट पर लकड़ी लगा के वो जाली लगा दो। शायद 1000 से 2000 रुपये एकड़ का खर्चा आएगा। झटका मशीन चलती नहीं है, तार की जाली हर किसान ला नहीं सकता है,
महंगी इतनी आती है। और फालतू बात करना कि टिशू में लगाऊंगा तार की जाली लगा लूंगा, तो टिशू आएंगे 10,000, बचेंगे 2,000, फिर बोलोगे अब तार की जाली लगा के क्या करूंगा। तो गठान लगाओ या टिशू लगाओ, पहले ही लाइलोन की सस्ती जाली लगा लो। मदन जी को बोला ही अभी लाने वाले हैं, मैं ले आऊंगा, है ना। तो इनकी देख लेना पहले, मेरे को बता देना। जितना भी हमारा खेत हो, 3-3 फीट के लकड़ी के खूंटे गाड़ दो 5-5 फीट पे, और लाइलोन की मछली पकड़ने की जाली चारों तरफ लगा दो। कोई सुअर परेशान करेगा नहीं, आ नहीं सकता। वो जाली इतनी मजबूत आती है, सुअर टकरा के वापस आता है, टूटती नहीं। वो 2 साल चलेगी, 2 साल चल जाएगी। अब ये मैंने बताया आपको ठंडी का, गर्मी में आपको पौधे के आसपास सन लगाना पड़ेगा। गर्मी में भी मक्का चाहिए, गर्मी में अगर फरवरी मार्च में हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो पौधे के साथ मक्का और पौधे के साथ सन एल आकार में, पश्चिम दक्षिण दिशा में सन, पौधे से 1-1 फीट दूर, और मक्का दो पौधों के बीच में। तब फरवरी मार्च में पौधा लगाएं तो पौधे के साथ, अगर अप्रैल में पौधा लगाएं तो 1 महीने पहले मक्का और सन, मई में पौधा लगाएं तो 2 महीने पहले मक्का और सन। मई में लू चलती है, लेकिन मई में प्लांटेशन कर सकते हैं। धूप और गर्म लू के लिए पौधा जब लगे, जब हमारे खेत में क्लाइमेट कंट्रोल हो। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं दुनिया में, किसी के पास ऐसा पौधा नहीं है कि 45 डिग्री की गर्म लू में तुम्हारा पौधा बच जाए। पौधा खेत में जाएगा, मर जाएगा। गठान जाएगी, नीचे गठान मिट्टी में रहेगी, पत्ता जैसे निकलेगा जल जाएगा, पूरा पूरा चढ़ कर गया, पीला पत्ता आएगा लो न्यूट्रिशन वाला और जल जाएगा। गर्मी ठंड बारिश हर टाइम पे हम लगा सकते हैं। अब आप गठान वाले भी आ सकते हो, टिश्यू वाले भी आ सकते हैं। और आपको जो लिटरेचर दिया है उसमें मेरे टिश्यू की फ़ोटो है। मैं मेरी चाशनी पर थोड़ा आ जाता हूँ। मेरे पास रेवा फ्लोरा का टिश्यू कल्चर है, 2 तरह के पौधे बना रहे हैं, एक रेवा G9 है और एक रेवा प्लस है। रेवा G9 6 साइकिल का पौधा है, एक क्लोन से 250 पौधे बनाते हैं, और वो आपके क्षेत्र में 14.5 रुपये में आएगा यहाँ पर। रेवा प्लस कम साइकिल का पौधा है, 4 साइकिल का पौधा है, एक क्लोन से 60 से 70 ही पौधे बनाते हैं। मतलब हम लेब में उसकी कम मल्टी ले रहे हैं, कम पिल ले रहे हैं, आप खेत में उसके ज़्यादा ले सकते हो। रेवा प्लस हम उसी को देते हैं जो 5x7 लगाता है, वो 17.5 रुपये का पौधा आएगा आपके गांव में, एक पौधा 17.5 रुपये का, लेकिन 5x7 लगाओगे तो देंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगर 5x7 और ऐसा कचरा और 100% मुझे फॉलो करोगे तो कम से कम 30 महीने में 3 कटिंग ला करके दूंगा, और तीनों कटिंग अपन कोशिश करेंगे बोर्ड रेट पर काटने की। 5x7 रेवा प्लस कम से कम 3 कटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा आप और हम साथ में अच्छा चले तो 7 से 10 कटिंग, कोई पौधा बदलने की ज़रूरत नहीं, एक ही पौधे को ज़्यादा चलाएंगे। रेवा प्लस कम साइकिल का है, हमने लेब में उसकी कम मल्टी करी है, मतलब खेत में हम उसकी मल्टी ज़्यादा ले सकते हैं। आप लोगों के और कोई प्रश्न है? हमारा प्रश्न ये है, मैं तो 8,000 पौधे, 8-10,000, ये हमारे 16,000 पौधे आ रहे हैं हमको लगाए।